हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नौशाद आलम स्वागत करता हूं आप सभी का नौशाद आलम क्लासेस में। और आज मैं आ गया हूं एक बार फिर से एक नए शानदार और नए सेशन के साथ, जहां पे आज हम लोग करेंगे संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। आज हम लोग 12th का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ, जहाँ पे हम लोग पिछले लेक्चर के अंतर्गत हमने क्या किया था, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके व्यंजक को हमने कवर किया था और उसके व्यंजक को हमने निकाला भी था, ठीक है। आज के टॉपिक में हम लोग समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे समांतर क्रम संयोजन किया जाता है संधारित्र का, ठीक है। क्या प्रोसीजर होगी, कैसे हम उसका व्यंजक निकालेंगे, समांतर क्रम संयोजन के जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव लेवल के, उन सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी सारी वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि मेरे चैनल पे आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती है यूट्यूब के माध्यम से। पहले से ही आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, वो कंप्लीशन के कगार पे एक दो लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ ही आपका संधारित्र नामक टॉपिक भी चल रहा है, और मैथमेटिक्स में हमने इंटीग्रेशन को कवर किया हुआ है, डिफरेंशिएशन भी किया हुआ है, और साथ ही हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आपके लिए मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं समांतर क्रम संयोजन का एक बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट। देखिएगा, हमने लिखा है संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संधारित्र जो है आपको क्या होता है कि नहीं, संधारित्र क्या होता है। तो आप पहले संधारित्र को समझ ले, है ना। संधारित्र क्या होती है, संधारित्र जो है एक ऐसी रचना होती है जिसमें दो प्लेटें होती है आपकी, ठीक है। दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट जो होती है वो धनावेशित प्लेट होती है, यानी प्लस की क्यू होती है, ठीक है। पहली प्लेट जो है आपको धनावेशित होती है और दूसरी प्लेट जो होती है वो ऋणावेशित होती है। ये कॉम्बिनेशन जो है आपका कहलाता है संधारित्र, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। आपको अगर नॉर्मली पूछा जाए कि बताइए कि भाई संधारित्र किसे कहते हैं, आपने संधारित्र तो पढ़ा होगा, संधारित्र का बनावट क्या होगा, कैसे संधारित्र को समझेंगे, तो नॉर्मली आप संधारित्र को बता सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, एक प्लेट प्लस चार्ज से आवेशित होती है और दूसरी प्लेट क्या होती है, ऋणावेशित होती है, ठीक है। और ऋणावेशित होती है, इससे पहले आप पीछे कंसेप्ट भी पढ़े होंगे, है ना, कि अगर दो प्लेटें होती है, है ना, दो अगर आपके पास प्लेटें होती हैं, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप समझ लें, क्योंकि मैंने इसका कंसेप्ट भी आपको प्रॉपरली एक वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है कि संधारित्र को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो आप मेरे पीछे के संधारित्र वाले लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें मैंने संधारित्र का बनावट के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर भी समझ लें हल्का सा, ये प्लेट हमारा एक होता है और एक दूसरा प्लेट होता है, ठीक है। अब ये दोनों प्लेटें क्या होती है, अगर हम प्लेट ए पे मान लेते हैं, इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे हमारा प्लस क्यू आवेश है कि नहीं, तो इसका कंडीशन होता है कि अगर दूसरा कोई प्लेट है, ये मान लेते हैं प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ठीक। तो दूसरा जो प्लेट होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। तो अब उदासीन प्लेट को इसके पास में रखेंगे तो इसका टेंडेंसी होता है कि इसका जो प्लस होता है इसके वाले प्लस को क्या करता है, धक्का देता है। तो इसके प्लस को इसने क्या कर दिया, धक्का दे दिया, ठीक है। ये कई बार आपको मैंने बता दिया, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। ये प्लस को इसको क्या करता है, धक्का दे देता है, और इसके माइनस को क्या करता है, प्लस वाला अट्रैक्ट करता है। तो ये माइनस वाले को क्या किया, इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ इसने माइनस वाले को अट्रैक्ट किया और इसने प्लस को धक्का दिया। अब होता क्या है, जब हम इस युक्ति को यानी दूसरी प्लेट को हम भूसंपर्कित कर देते हैं, भूसंपर्कित का मतलब अर्थिंग कर देते हैं, तो अर्थिंग करने के कारण ये होता है कि इसका जो प्लस वाला जो है पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। तो ये जो हमारा बनता है कॉम्बिनेशन जो बनता है हमारा प्लेट का, ये कैसा कॉम्बिनेशन बनता है, ये कॉम्बिनेशन आपका इस तरह का बनता है, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन इस टाइप का आपका बन जाता है, यहाँ पे आपका माइनस बच जाता है यहाँ वाला पे, और यहाँ पे आपका प्लस बच जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस बच जाता है, ठीक। तो ये हम प्लस क्यू बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं माइनस क्यू। तो यही कॉम्बिनेशन जो है आपका पूरा का पूरा का क्या कहलाता है, आपका ये कॉम्बिनेशन जो है आपका संधारित्र कहलाता है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, संधारित्र की एक प्लेट प्लस का क्यू और दूसरी प्लेट क्या होती है, माइनस का क्यू।
तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। मेरा टॉपिक क्या कह रहा है वो संधारित्र के बारे में बात करते हैं, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम को हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है, अगर आप उसका कंसेप्ट देखना चाहते हो तो आप पीछे के वीडियो को देख सकते हैं, चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट खोलेंगे और प्लेलिस्ट के अंदर में आपको 12th का मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं वीडियो पूरा नंबर वाइज 1-3 करके आपको मिल जाएगा वीडियो के अंदर, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं आगे, हाँ अपने कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ है संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है। हेडिंग है डिफिनिशन, अगर इसकी बात करें डिफिनिशन की, तो डिफिनिशन हमारी क्या है, डिफिनिशन है ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्र की पहली प्लेटें एक बिंदु पर, है ना। अगर मेरे पास कई सारे संधारित्र हो तो उसकी जो पहली प्लेट होगी, है ना, वो एक बिंदु पे क्या होगी, एवं उसकी दूसरी प्लेटें एक अन्य बिंदु पर क्या होगी, जुड़ी होगी। यानी जितनी संधारित्र, अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी संधारित्र है, है ना, तो उसकी जो पहली प्लेट होगी वो सबका कॉम्बिनेशन एक ही बिंदु पे होगा, ठीक है। और जो दूसरी प्लेट होगी उनका दूसरा प्लेट जो होगा उसका कॉम्बिनेशन किसी अन्य बिंदु पे होगा, यानी दूसरे बिंदु पे, उन सभी का, दूसरी प्लेटों का। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो होता है क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो अब जरा हम समझ लेते हैं, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक हमारे पास संधारित्र है, ठीक है, एक संधारित्र है हमारे पास, पहला संधारित्र, ठीक है। ये हम मान लेते हैं इसकी धारिता कितनी है, C1 दी गई है, ये आपका प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू, चलेगा। अच्छा एक दूसरी संधारित्र ले लेते हैं हम, ठीक है, इसकी धारिता दी गई है C2, ये आपका प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू, ठीक है। एक तीसरी संधारित्र ले लेते हैं जिसकी धारिता कितनी है, C3 दी गई है, ठीक है, और इसका वाला प्लेट प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे, चलेगा। ये हमारा पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, हम तीन प्लेटें लेके चल रहे हैं और तीन प्लेटों से ही सारी चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे, चले। अच्छा अब इसको करना हमको ज्वाइंट, तो ये पहला प्लेट का पहला, अगर हम बात करें तो पहले छोर है ये, पहला इस दूसरे प्लेट का पहला छोर है और ये तीसरे प्लेट का पहला छोर है, तीनों को इस तरह से ज्वाइंट करना है, तीनों को इस तरह से ज्वाइंट करना है कि तीनों जो आपके ज्वाइंट है वो एक ही बिंदु पे आके जुड़े। तो देखें हम ज्वाइंट करते हैं, पहला ज्वाइंट कर रहे हैं, ये हमने पहला ज्वाइंट किया, पहला हमने संधारित्र ले लिया, ठीक है। एक दूसरा संधारित्र यहां ले लेते हैं, ठीक, एक हमने दूसरा संधारित्र यहां लिया और थोड़ा सा साइज बढ़ा कर देते हैं इसका, है कि नहीं, थोड़ा सा साइज इसको एक्सटेंड करते हैं, ये हमने एक्सटेंड किया, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड करते हैं, ठीक। अच्छा एक तीसरा संधारित्र जो है यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी इस बिंदु से जोड़ देते हैं, ये हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइंट कर दिया। तो ये हमारा पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, अब देखेंगे इसमें, और इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, एक बैटरी को भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बैटरी का कनेक्शन तो जरूरी ही है ना, बिना बैटरी के कनेक्शन के तो काम बनेगा नहीं, हमने कर दिया बैटरी का साथ ही साथ कनेक्शन, चलेगा। थोड़ा सा इसको और आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये हमने इसको और आगे बढ़ाया और ये हमने कर दिया इसका कनेक्शन, चलेगा। पहला दूसरा और ये तीसरा, हमने तीनों को कर दिया यहाँ पे ज्वाइंट। अब यहाँ देखेंगे क्या होने वाला है, क्या खेल चलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, विभव, इसका भी है, विभवांतर भी हो जाएगा इसका, क्योंकि बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। अब धारिता इसकी कितनी, C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता कितनी, इसकी धारिता आपकी C3, चलेगी। अच्छा और बात करते हैं थोड़ा सा इसमें, अब एक चीज बताएंगे, ये हमारा पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, दोनों जो है दो बिंदुओं पे क्या हुए, जुड़े हुए हैं। तो ये मान लेते हैं पॉइंट X और इसको मान लेते हैं पॉइंट Y, दो पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। अब इनको कंबाइन करके हमको क्या बनाना है, एक ऐसा संधारित्र बनाना है जो क्या हो, एक सरल हो, यानी तीनों को जोड़ने के बाद एक तुल्य बनाना है, ठीक है। तो तुल्य कैसा बनेगा, तो हम यहाँ एक तुल्य भी बना लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो तुल्य कैसा बनेगा, यानी तुल्य बनेगा आपको ऐसा, है ना, तुल्य जो है आपको जनरल बनेगा, एकदम सिंपल सा,
कंबाइन करते हुए आपका बैटरी भी लगा रहेगा और हमने इसको तुल्य बना लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सी तुल्य हो जाएगा, ये हमारा सी तुल्य हो जाएगा, है ना। आवेश क्या होगा आपका, क्यू प्लस का और यहाँ पे माइनस का क्यू आपका आवेश हो जाएगा, क्लियर है। इसको हमने लिख दिया। अब एक चीज बताएंगे, अब मान लेते हैं कि इसमें हमने धारिता को क्या दिया है, क्यू आवेश दिया हुआ है। अगर हमने धारिता को क्या दिया है, क्यू आवेश दिया हुआ है, तो इस वायर से अगर इसके कनेक्शन से बात करें तो क्या निकलेगा, हमको आवेश जो निकलेगा वो क्यू ही निकलेगा, है कि नहीं। जो आवेश जो यहां से बहेगा, फ्लो करेगा, वो क्यू बहेगा। लेकिन अब एक चीज समझिए जरा सा, आवेश को जाने के लिए यहां पे पहला रास्ता, दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता, यानी आवेश को जाने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। तो आपको मैंने बताया है कि रास्ता बदलने पर, रास्ता बदलने पर क्या बट जाता है, आवेश जो है, आवेश बट जाता है, रास्ता बदलने पर आवेश जो है वो बट जाता है, ठीक है। यानी अगर हमारे पास आवेश को जाने के लिए अलग अलग रास्ते हो, मैंने पीछे लेक्चर में बताया था, अगर एक ही रास्ता हो तो आवेश तो एक ही रास्ते से जाएगा, आवेश का कोई बंटवारा नहीं होगा। लेकिन अगर रास्ता बदल जाए तो आवेश क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी बट जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया रास्ता बदलने पर क्या बट जाएगा, आवेश आपका क्या होने वाला है, आवेश जो है बट जाएगा। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता, मतलब थोड़ा थोड़ा आवेश सबको मिल जाएगा और टोटल को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज हम लोग जानते हैं, बिंदु बदलने पर, बिंदु बदलने पर क्या होता है, विभव बदल जाता है, बिंदु बदलने पर विभव बदल जाता है, ठीक है। बिंदु बदलने पर आपका विभव बदल जाता है, ये एक दूसरा पॉइंट हमने लिखा कि बिंदु बदलने पर क्या होता है, विभव बदल जाता है। अब जरा समझिए, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई, हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्र की पहली प्लेट एक बिंदु पर, ये संधारित्र का पहला प्लेट है ना, ये भी पहला ही प्लेट है और ये पहला ही प्लेट है, तो ये सारी पहली प्लेटें कहां जुड़ी हुई है, एक्स बिंदु पे जुड़ी हुई है, देख लीजिए, देख रहा, ठीक है। और दूसरी प्लेट जो है, ये दूसरी प्लेट है कि नहीं, ये दूसरी प्लेट आपकी दिख रही है, तो दूसरी प्लेट जो है वो क्या जुड़ी हुई है, अन्य बुंदी पे जुड़ी हुई है, यानी दूसरी बिंदु पे जुड़ी है। तो अब अगर आप बात करते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच, तो हमारे पास दो ही बिंदु है, तो विभव क्या होगा, विभव तो सेम ही होगा क्योंकि बिंदु चेंज नहीं कर रहा है। अगर बिंदु नहीं बदले किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर में, तो उसमें क्या होता है, विभवांतर का मान बदलता नहीं है, पटता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, विभवांतर जो है वो चेंज नहीं करेगा, बदलेगा कौन, बदलेगा तो आपका आवेश। अब जरा हम यहाँ बताते हैं आवेश का वैल्यू कितना होने वाला है, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि रास्ते अलग अलग है तो क्या होगा, रास्ते अलग अलग है तो आवेश आपका बढ़ जाएगा। तो इधर से आपका क्यू आवेश निकला है, तो पहले वाले को क्या मिलेगा, क्यू वन, दूसरे वाले को क्यू टू और तीसरे वाले को मिला क्यू थ्री। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यू वन मिला, क्यू टू मिला और क्यू थ्री मिल जाएगा तीसरे वाले को। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हो, अगर आपको लग रहा है कि आप सीख पा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त भी मेरी क्लासेस का आनंद ले सकें और शानदार तरीके से, बहुत ही बेसिक से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप फिजिक्स को मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं Q1, Q2 और Q3। तो इस वाले प्लेट की बात करें, अगर ये हमारा C1 था ना, इसको क्या मिलेगा, माइनस का Q1, सॉरी प्लस का Q1, और इसको मिलेगा माइनस का Q1, ठीक है। इसको मिलेगा क्या, प्लस का Q2, है ना, और इसको क्या मिलेगा, माइनस का Q2 मिलेगा ना। अच्छा, इसको क्या मिलेगा, प्लस का Q3 और इसको मिलेगा माइनस का Q3, क्योंकि आवेश फटा हुआ है ना। अब एक चीज और बताएंगे जरा सा, हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको तो इसके व्यंजक के लिए बात करना है। हमने बता दिया कि आवेश जो है बट गया, क्या चेंज नहीं हो रहा है, विभव जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो आवेश बट रहा है। यानी टोटल आवेश की बात करते हैं तो टोटल आवेश कितना है, क्यू है, और क्यू का वैल्यू कितना होगा, पहला वाला Q1 प्लस दूसरा वाला कितना Q2 प्लस तीसरा वाला कितना Q3, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और ये किसके बराबर होगा, टोटल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा संधारित्र के अंदर में कि Q जो होता है वो बराबर होता है CV के, ठीक है।
ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा कि जो किसी भी संधारित्र की जो आपकी संधारित्र के अंदर जो आवेश होता है वो होता है संधारित्र की धारिता और उसके विभवांतर का क्या होता है गुणनफल। ठीक है, यानी किसी भी धारिता का जो आपका आवेश जो होता है वो क्या होता है आपका सी इंटू वी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू को लिख सकते हैं क्या सी इंटू वी, यानी सी जब लिखेंगे तो ये बेसिकली क्यू क्या, ये टोटल क्यू है ना, टोटल क्यू है। तो जो सी लिखेंगे वो हम कौन सा लिखेंगे, तुल्य वाला लिखेंगे, यानी हम लिख देंगे सी नेट, क्योंकि हमको सी नेट ही चाहिए है ना। और साथ में क्या लिखेंगे, सी इक्वल क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो साथ में क्या लिखेंगे सी इंटू वी, ये हमने लिख दिया सी नेट या फिर सी तुल्य। तुल्य लिख देते हैं, आपको आसानी होगी, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो आपको हो सकता है कि तुल्य और नेट आपको दिक्कत हो, है ना, हम यहाँ तुल्य लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिखा सी तुल्य, अब क्यू वन है, अब क्या है, अब हमारे पास क्यू वन है, तो क्यू वन को भी क्या लिखेंगे सी भी, सी भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है सी सी नहीं है, यहाँ पे सी वन है, यहाँ लिखेंगे सी वन इंटू भी, क्योंकि विभव तो चेंज नहीं कर रहा है, पूरे परिपथ के अंदर में पूरा कॉम्बिनेशन के अंदर में विभव जो है सेम रहने वाला है। ठीक है, यानी विभव चेंज नहीं करेगा, तो ये सी भी रहेगा। ठीक है, इसको हमने लिख दिया सी वन इंटू भी, प्लस दूसरे के लिए क्या लिखेंगे क्यू टू के लिए, ये भी होगा तो ये हो जाएगा सी टू इंटू भी, तीसरे के लिए क्या लिखेंगे सी थ्री इंटू भी, हमने लिख दिया सी वन भी सी टू भी और कौन सा सी थ्री भी हमने लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज बताइए जरा, यहां भी यहां भी यहां भी और यहां भी, तीनों जगह आपको क्या दिख रहा है भी दिख रहा है, क्या किया जा सकता है, कॉमन कर सकते हैं ना, तो यहां से हम भी को कॉमन कर लेते हैं, तो भी को जब कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, ये सी तुल्य रहेगा, सी तुल्य, सी तुल्य रहेगा, यहां से भी को कॉमन कर लेते हैं, तो भी को कॉमन करेंगे तो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ये बनेगा आपको सी वन प्लस सी टू और प्लस कितना सी थ्री, यहाँ सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। अब देखिए भी से क्या हो गया, भी आपका कट चुका है, यानी आया कितना सी तुल्य जो आपको निकल के आ रहा है सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री आ रहा है, यहां देख लेंगे, यानी सी नेट जो आएगा आपका वो आएगा सी वन प्लस सी टू और प्लस कितना सी थ्री। और यही होता है हमारा, जब भी किसी संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उनके धारिता को हम क्या करते हैं डायरेक्टली जोड़ देते हैं, देखिए ना सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, लेकिन जब हम उसको श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो उसको क्या करते हैं वन बाई सी वन वन बाई सी टू और वन बाई सी टू करके जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप ये पूरे कंसेप्ट को आप आराम से नोट कर ले, सबसे पहले आप डिफिनिशन को लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद अलग अलग लिखेंगे कि हमने क्या लिया हुआ, हमने तीन संधारित्र लिया हुआ, फिर आप इस पॉइंट को लिखेंगे कि रास्ता बदलने पर क्या होता है आवेश बढ़ता है, बिंदु बदलने पर क्या बढ़ जाता है आपका विभव बढ़ जाता है, फिगर बनाएंगे और उसके बाद इस पूरे क्या लिखेंगे इसको और पूरा जो व्यंजक हमने निकाला हुआ है इसको लिख लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो पहले आप इसको नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और फिर हम बात करते हैं आगे की, आगे कुछ पॉइंट्स होंगे जो हम इसके बारे में बात करेंगे, आराम से इसको लिखिए। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है, अब हम इसे रफ करते हैं और इसके जो पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम उसको क्या करते हैं आपको डिस्कस करते हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों को जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के अंदर में पूछ दिए जाते हैं उन सब बातों को हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, हम इसे अब रफ करते हैं। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जरा समझते हैं क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने लिखा क्या, हमने अभी डिस्कस किया कि समांतर क्रम का व्यंजक क्या आता है, व्यंजक जो आता है समांतर क्रम का वो हम लिख सकते हैं सीपी, सीपी मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीपी आया था सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, यही आया था। ठीक है, ये हमारे पास आया था सीपी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, और भी हो सकते हैं और भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पॉइंट है, हमने लिखा कि संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त परिणामी धारिता, है ना, मतलब समांतर क्रम में संयोजित करने के बाद जितनी भी धारिता का मान प्राप्त होगा प्रत्येक संधारित्र की अलग अलग धारिताओं के क्या योग के बराबर होता है, यानी जो अलग अलग धारिताएं होंगी C1, C2, C3, C4, उन सभी का जो टोटल योग होगा वो क्या कहलाएगा, उनकी परिणामी धारिता का मान होगा, यानी आपका CP होगा। ठीक है, अच्छा
दूसरा पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि यदि एन संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है सी है, और एन अलग अलग संधारित्र है, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके एन जो है अलग अलग संधारित्र, मतलब हम बना लेते हैं जरा से देखिएगा, ये आपके पास पहला, ठीक है, ये आप देख सकते हैं दूसरा, है ना, ये आप बना सकते हैं आपके तीसरा, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे चौथा, ठीक है, और ऐसे ही करके बहुत सारे संधारित्र, ठीक है, यानी एन संधारित्र, आप डॉटेड 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 दिखा सकते हैं, आपको एन संधारित्र जो क्या क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, एन संधारित्र जुड़े हुए हैं और सभी की धारिताएं कितनी है सी ही है, सी 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 है, ठीक है, यानी सबकी धारिता कितनी है सी है, तो अगर टोटल सबकी धारिता कितनी है सी है, तो जब सी पी निकालने जाएंगे तो सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी कितना बार करेंगे, संख्या अगर हमारे पास एन है, संख्या एन है तो सबका क्या कर देंगे एन टाइम्स हो जाएगा, यानी वही हमने लिखा कि अगर हमारे सामने अगर एन संधारित्र है जिनकी धारिता सी दी गई है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो उस क्रम में क्या होने वाला है कि उनका जो तुल्य धारिता का मान होगा वो उसके एन टाइम्स हो जाएगा, यानी सी जो होगी उसका क्या होगा एन गुना होगा, अगर दस है संधारित्र तो उसका दस गुना, पांच है तो पांच गुना, ठीक है। अच्छा लास्ट पॉइंट है, तुल्य धारिता प्रत्येक धारिता के अलग अलग परिणामों से भी क्या होती है अधिक होती है, ठीक है, मतलब जो तुल्य धारिता निकल के आएगी उसके अलग अलग परिणामों से क्या आएगी अधिक आएगी, एज एग्जांपल जरा समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लें कि C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है, और C2 जो है आपका 3 माइक्रोफैराड है, ठीक है। अच्छा तो अगर हमसे पूछे आपसे कि बताइए CP कितना होता है, क्या लिखिएगा C1 प्लस C2 लिखिएगा, है ना, तो ये कितना होगा 2 3 5, यानी CP का मान कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड, जो कि इंडिविजुअली C1 से भी बड़ा है और किससे बड़ा है C2 से भी आपका बड़ा है, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे कि अगर तुल्य धारिता जो है और तुल्य धारिता जो है प्रत्येक धारिता के अलग अलग परिणामों के भी किससे परिणामों से भी आपकी अधिक होती है, यानी जो CP का वैल्यू आएगा वो C1 से भी बड़ा आएगा, यानी हमने C1 से भी बड़ा दिखा दिया यहाँ पे, और साथ ही साथ C2 से भी बड़ा आएगा, C3 हो C4 हो उन सबसे क्या आएगा CP का वैल्यू बड़ा आएगा, क्योंकि क्या करा है हमने ऐड करा है। एक और पॉइंट है इसमें आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पे, अगर हमको किसी भी परिपथ के अंदर में, ठीक है, अगर किसी भी संधारित्र में अधिक आवेश चाहिए होगा, अगर हमको अधिक धारिता चाहिए होगा, ठीक है ना, या फिर अधिक आवेश चाहिए होगा, तो जो हमारा जो धारिता है यानी जो हमारे पास संधारित्र है उसको किस में जोड़ना पड़ेगा, आपको समांतर क्रम में आपको उसको कंबाइन करना होगा, यानी आपको उसको जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा आपका आपका टॉपिक, ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी, है ना। आने वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी शानदार चीजें, आप मेरे चैनल पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।